हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ द ग्रैंड बैनिस मॉल, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। तो जो लोग नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वो यहाँ पर अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए आ सकते हैं। ये वीकेंड डेस्टिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए, मैं आपको मॉल के अंदर लेकर चलती हूँ और देखते हैं आगे क्या क्या है मॉल में। अब ये देखिए, ये मॉल में एंट्री करने के टाइम सबसे पहले ये गेट पर ये बहुत ही बड़ा सा झूमर है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मैं आपको ये मॉल का चारों तरफ व्यू दिखा रही हूँ। मॉल में ज़्यादातर जो शॉप है वो बंद ही है और ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, जैसे कि वीकेंड में ज़्यादातर क्राउडेड रहते हैं, तो ये मॉल में इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये मॉल में जैसे कि नॉर्मल सी बात है, सेल वगैरह वो सब लगा ही है। और ये मॉल में ये बीचों बीच ही ये कुछ बना हुआ है, पर मुझे ठीक से नहीं पता है ये क्या है, पर दिखने में बहुत सुंदर है। लाइट वगैरह ऐसे स्पार्कल हो रहे हैं। अब चलिए, मैं आपको मॉल का जो अंदर वाला पार्ट है वहाँ पर लेकर चलती हूँ। ये देखिए, ये कितना सुंदर दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेयर्स बने हैं, जो जैसे कि ऊपर वगैरह जो फ्लोर है वहाँ पर जाने के लिए आप अगर आप चाहो तो स्टेयर के हेल्प से भी जा सकते हो। और ये चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। ये आगे है गोंडाला राइड, जहाँ पर वाटर बोटिंग होता है। यहाँ पर ये प्राइस टैग लगा है, ये आप देख सकते हो, चार्जेस ऑफ गोंडाला राइड। यहाँ पर देखिए ये है, और यहाँ पर बोटिंग होता है, पर कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन के वजह से वो अभी बंद है। और यहाँ पर चलिए मैं आपको प्राइस का बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे आओगे, मतलब जो वीकडे में आओगे, तो पर पर्सन 300 रुपीज़, और अगर आप वीकेंड में आओगे तो पर पर्सन 400 रुपीज़, ये आप देख सकते हो। तो ये मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का व्यू दिखा रही हूँ। तो जो गोंडाला राइड है उसके साइड में ही ये रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पर साइड में ये बहुत सारे शॉप है, लाइक मैक्स, बिग बाजार, शॉप 99, जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट है। अब ये है सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर में भी अच्छा खासा सेल लगा है। ये बिल्कुल सामने ही ये ज्वेलरी का शॉप है, सुंदर ज्वेलरी अवेलेबल है। और साथ ही साथ साइड में ये मार्केट 99 भी है, जिसमें वैरायटी होम डेकोर आइटम अवेलेबल रहता है। अब चलिए मैं आपको टॉप फ्लोर पर लेकर चलती हूँ, जहाँ पर आप ये सामने देख सकते हो फूड कोर्ट है। और यहाँ पर एक साथ 230 से 300 तक लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। और इसके चारों तरफ ये रेस्टोरेंट भी है, बहुत वैरायटी रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो चलिए, अब मैं आपको मस्ती जोन की तरफ लेके चलती हूँ। और जो फूड कोर्ट है उसी के साइड में ये मस्ती जोन का पॉइंट आएगा, ये उसका एंट्री पॉइंट है।
और मस्ती जोन के अंदर जाने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, पर वहाँ पर जो गेम है वो ओपन होने के लिए ये चार्जेस है, जैसे कि फास्ट चार्ज है 500 रुपीज और 15,000 तक इसका है। तो आप जितना चाहो अपनी मर्जी से रिचार्ज करा सकते हो, जिसमें आपको एक कार्ड मिलेगा और उसी कार्ड को स्वाइप करने से जो गेम का जो है वो मतलब लॉक हुआ होगा वो गेम, ये कार्ड दिखाने से ही वो गेम ओपन होगा, तभी आप उसको खेल सकते हो। और ये उन्हीं का शॉप है जहाँ पर रिचार्ज होता है, जो कि मस्ती जोन की तरफ एंट्री करने के टाइम राइट हैंड साइड में ही है। ये देखिए, ऐसे उसको कार्ड को ऐसे स्वाइप करने से ही ये गेम ओपन होगा, नहीं तो ये लॉक होके ही रहता है। अब चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ मस्ती जोन के दूसरे साइड में, जो कि है द हाउस ऑफ डेड। ये है जो आपको जो ये सामने गेट दिख रहा है, इसी के अंदर ही है जो कि स्नो पॉइंट, जहाँ पर टेम्परेचर है -12 डिग्री। और ये उसके साइड में एक सैंपल बना गया है कि स्नो जोन में आपको कैसे मिलेगा देखने के लिए। और ये आर्टिफिशियल ट्री बनाया गया है जो कि बिल्कुल हॉन्टेड है। ये है उसका पैम्पलेट भी लगा है। और ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर बना गया है, ऐसे ही जो स्नो जोन है वहाँ पर ऐसे ही मिलेगा देखने के लिए। और ये मैं आपको चार्जेस दिखा रही हूँ, जो स्नो मस्ती टिकट है वो 800 रुपीज़ पर पर्सन है, और साथ ही साथ उसमें जो किट आता है उसका डिफरेंट चार्जेस रहता है। मस्ती जोन से बाहर निकलने के टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो हम थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लेते हैं। और खाने में हमने ये बिरयानी मंगाई है, यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है, मतलब बहुत वैरायटी अवेलेबल है, आप जो भी चाहो वो अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। इस मॉल की खासियत ये है, इसका रात का व्यू काफ़ी अच्छा आएगा और इसमें ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है, जो कि COVID-19 का सिचुएशन को देखकर बिल्कुल सही है। तो गाइज, आज का ये जो वीडियो है ये यहीं तक था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।